हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को मेरे इस चैनल पे आपके इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज ये वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है, कोई भगवान की बातें नहीं है दोस्तों। हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, जो हमारे देश में कहर बनकर आया हुआ है। ये बीमारी चाइना से आया हुआ, चाइना में हुआ था, चाइना से अभी देखिए भारत में भी आ गया, दिल्ली में भी पाया गया, फिर केरल में भी पाया गया दोस्तों। तो ये सब चीज़ों से बचना हमें बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें आपको तो पता है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम लोगों का भी कुछ दायित्व तो होता है कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो हर चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो कोरोना वायरस के बारे में भी हम लोगों को शेयर करना हम लोगों का फ़र्ज होता है, हम लोग का एक ड्यूटी होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप बाहर कभी भी जाएं तो मुंह ढक कर जाएं, मास्क लगा के जाएं। मास्क में AN95 सबसे उत्तम माना गया है, उस चीज़ को लगा कर जाएं। और कहीं भी आप जा रहे हैं तो बाहर की चीज़ें आप अवॉइड करिए, मत खाइए दोस्तों। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें हैं तो उनसे दूर रहिए, उनसे संपर्क मत बनाइए। अभी क्या है, किसी से हाथ मिलाने वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज करिए, दूर से नमस्ते कर दीजिए, हाथ मत मिलाइए, क्योंकि हाथों द्वारा, आँखों द्वारा, नाक द्वारा, मुंह द्वारा ये सब चीज़ें, इन्फेक्शन इसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और हो सके तो देखिए, रामदेव बाबा भी कितना अच्छा बताए हैं कि गिलोई पीजिए तुलसी और हल्दी के साथ, कोरोना वायरस से इससे बहुत बचाव होगा, इससे कोई बीमारियां नहीं आती है। तो दोस्तों हो सके तो आप लोग गिलोई को तुलसी और हल्दी में बॉयल करके इसको पीने का प्रयत्न कीजिए, जिससे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उपाय करने से हम बच सकते हैं, तो अपना उपाय करना चाहिए। तो थोड़ा ये उपाय आप लोग भी कर लीजिए। रामदेव बाबा जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। देखिए न्यूज़ पर भी रामदेव बाबा बताए हैं, आप लोग भी न्यूज़ में सुने होंगे, गिलोई को सबसे ज़्यादा मस्त बताए हैं, गिलोई और ये कपालभाति, अलोम विलोम योगा आसन करें, प्रति योगा आसन करें, योग आसन के द्वारा भी हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें को थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस आपको तो पता ही, चीन से आया हुआ है, ये बीमारी बहुत भयंकर है, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ देखिए दिल्ली में भी कुछ लोगों को पाया गया, एक बच्चे के अंदर भी पाया गया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना, आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप हैंड वॉश बिना किए आप कुछ भी मत खाइए, बाहर जा रहे हैं तो किसी भी चीज़ को मत छूइए, मत टच करिए, क्योंकि इन्फेक्शन कब किस में है नहीं मालूम, अगर कोई छींक रहा है तो आप हमेशा मास्क पहने रहिए, उससे दूर रहिए, किसी को बुखार है तो भी आप दूर रहिए, क्योंकि ये बीमारियां बुखार खांसी सर्दी आँख नाक मुंह से ही आ रहा है दोस्तों। और इस बीमारी से तो जितना बचे उतना ही अच्छा है। अभी तक तो ये बाहर में था, अब तो अपने भारत में भी आ गया, तो एक डर और एक सहम बन गई है दोस्तों। तो अपना केयर अपने हाथों में है, जितना आप अपने आप को केयर करें। और एक बात और दोस्तों, कि बच्चों को ज़्यादा आप बाहर मत जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर बच्चों को लेकर जाइए, लेकिन बच्चों को भी बाहर लेके जा रहा है तो उनके चेहरे पे मास्क लगाइए, उनको बाहर की चीज़ें मत खाने दीजिए दोस्तों। और अभी होली भी आ रहा है, तो होली में भी थोड़ा आप लोग अपना बचाव रखिएगा, ज़्यादा एक दूसरे के घर आना जाना वाला मत करिए, सिस्टम जो भी है। अभी देखिए प्रधानमंत्री अपनी सरकार की तरफ से भी ये सब बातें होली के लिए मना किया गया कि उतना अच्छा से होली इस बार नहीं सेलिब्रेशन हो पाएगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से एक दूसरे के इन्फेक्शन से कब किसको क्या होगा नहीं मालूम है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम, अगर इन सब चीज़ों से दोस्तों बचिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगती हूँ। जितना मुझे पता था, जितना मैं न्यूज़ में देख रही हूँ दोस्तों, उतना मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो कोई वैज्ञानिक हूँ नहीं, फिर मेरा कुछ फ़र्ज था आप लोगों तक शेयर करना। हर बातें हम लोग शेयर करते हैं, आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम शेयर कर दिए हैं दोस्तों। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा दोस्तों।